तो आई रिमेम्बर कि कल मैंने थोड़े से डिफरेंशिएशन और उसके फॉर्मूलाज रिवाइज कराए थे, याद आया? माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1/x का वन बाय एक्स स्क्वायर -1/x2। और कभी कभार जैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन करना हुआ ये, तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? यस सर। यस सर। एक चीज और पढ़ानी है बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशिएशन। That also you have covered little bit in physics, but let me revise it for you। कि अगर मेरे पास बाय द वे कोई इक्वेशन है, f of x plus 2y is equals to 2f of x plus 3f of y, तो अगर इसको मुझे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब एवरीवेयर y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा बताओ फिर डिफरेंशिएशन इसका? f का आउटर फंक्शन f है, h f डैश x प्लस 2y इनटू वन x प्लस 2y इनटू चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएशन कितना बचे? वन। वन। हाय ना एवरीवन एल्स आल्सो। यस सर। ओके, राइट साइड का डिफरेंशिएशन फटाफट बोलो। इसका डिफरेंशिएशन 2f डैश फोर x डैश एक्स प्लस और जीरो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। जीरो। करेक्ट है बच्चों? यस यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना हुआ तो भी कर सकते हैं, वही सेम आएगा, एफ डैश एक्स प्लस 2 है इनटू चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएशन 2 टू इजिकल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे 3 एफ डैश वाई। बस कॉपी करने की जरूरत लग रही है तो करो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। 10 सेकेंड्स। ओके, आई थिंक आई कैन मूव नाउ। हाँ यस बच्चों, ओके सर। ना? इज इट ओके इफ आई मूव? यस सर। यस यस सर। सर। हेडिंग लिखो चलो, फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशंस एंड लेट मी नो हमने ये कहाँ पे टॉपिक पहली बार कभी देखा है? एनीबॉडी? फंक्शंस। यस। देखा है फंक्शनल इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन होती है जो फंक्शन में होती है। कुछ याद आ रहा होगा जैसे इस टाइप की इक्वेशन, जस्ट सी, याद आया एवरीवन? तो यस वहां पे वन वेरिएबल टू वेरिएबल सब कराया था, बट बहुत ही बेसिक सेंस में कराया था कि जस्ट वैल्यूज पुट करना। आई होप यू रिमेम्बर, एक्स को 0 वाई को 0 ऐसे पुट करके कुछ ना कुछ निकालते थे, याद आया एवरीवन? यस सो दैट वाज वेरी बेसिक थिंग हियर, बट अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या आगे बढ़ रहे हैं? अब एफ ऑफ एक्स कौन है वो निकालने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जैसे एक क्वेश्चन देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड f dash 0 is equals to 2, then find the function f of x। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा ऑब्वियसली, तो मैं समझा रहा हूं अभी। तो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड में फंडा वही रहेगा, बट बस डिफरेंशिएशन लाने का तरीका अलग अलग है। तो जैसे अगर मैं मेथड वन की बात करूंगा, तो मेथड वन इज बेस्ड ऑन कि फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला कोई बोलेगा मुझे? एफ लिमिट एट टेंड्स टू जीरो डैश व्हाट? एफ डैश ये होता है ना, ए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस प्लस एच एच। माइनस एफ डिवाइडेड बाय। करेक्ट बच्चों? यस यस सर। बट अबे ये तो एफ डैश ए का मतलब होता है एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन, हाँ है ना? यस सर। यस। ये कोई फिक्स पॉइंट पे नहीं चाहिए, मुझे तो जनरल सेंस में चाहिए, तभी तो एफ ऑफ एक्स जनरल सेंस में निकलेगा, हाँ है ना? यस तो हम एक सर। जनरल पॉइंट पे बात करते हैं एक्स पे, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। दिमाग लगाओ,
ये स्टेप वन है कि एफ डैश एक्स इज दिस. स्टेप टू विल बी यूज द गिवन फंक्शनल इक्वेशन. जो आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है उसको यूज करो टू पुट दिस काइंड ऑफ वैल्यूज, टू पुट सम वैल्यूज हियर एंड सिंप्लीफाई टू गेट एफ डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट. जैसे इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, चलो दो स्टेप. रेडी ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, फर्स्ट स्टेप बोलो क्या लिखना है. फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है बिना देख के बताओ. बोलते जाओ. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. ये स्टेप वन हो गया बच्चों. स्टेप टू वो बोल रहा है कि यूज द गिवन फंक्शनल रिलेशन. ये जो रिलेशन दे रखा है इसको यूज करना है टू पुट द वैल्यूज, सिंप्लीफाई द लिमिट एंड गेट द आंसर ऑफ एफ डैश एक्स. तो बताओ कैसे यूज कर सकता हूँ. एस सिंपल एज दैट कि वाई को एच रख दूं. जल्दी बताओ. यस सर. है ना, बस इतना सिंपली तरीके से रखो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच में वाई को एच रखूंगा तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच. साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. आगे की वैल्यूज रख रहा हूं मैं अभी, रुक जाओ. तो इसमें रख रहा हूं मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. कोई इश्यू तो नहीं है स्टेप में? नो सर. ओके, तो लेट्स सिंपलीफाई. अब तो लिमिट का क्वेश्चन है ये, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर. हां, तो अब यहां पे आ गया. तुम देखो एफ डैश एक्स लिमिट के टर्म्स में फंस गए. अब लिमिट देखते ही हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. लिमिट पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है लिमिट का. कम ऑन, डीएस लगा के फॉर्म चेक करते हैं. हाँ है ना? यस सर. यस सर. तो नीचे जीरो पे जा रहा है और ऊपर एफ ऑफ जीरो जा रहा है, इसका मतलब क्या रिक्वायरमेंट है जल्दी से बोलो. एफ जीरो से टेंड टू जीरो. अरे यार बोलो ना यार, क्या निकालने की जरूरत है कि एफ ऑफ जीरो क्या है. हाँ है ना? टेंड्स टू जीरो. टेंड्स टू जीरो. हाँ, तब आई होप क्लियर है कि सबको कि एफ ऑफ जीरो निकालने की जरूरत पड़ रही है ना एवरीवन. यस सर. यस सर. तो इन द फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई में, सिंस ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है, एक्स और वाई को क्या रख दूंगा बच्चों? जीरो जीरो. एफ ऑफ जीरो विल बी एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो. एफ ऑफ जीरो चला गया तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही है, करेक्ट एवरीवन? यस सर. इसका मतलब लिमिट का फॉर्म जीरो बाय जीरो ही है, करेक्ट एवरीवन? यस सर. तो एल हॉस्पिटल लगा दूं अब तो? यस सर. एल हॉस्पिटल के बिना भी कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करके, बट ठीक है अभी तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एफ डैश एच डिवाइडेड बाय वन. अब नाउ डीएस लगा दिया तो दिस इज सेम एज एफ डैश जीरो. साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर. यस सर. एफ डैश जीरो का आंसर दे रखा है देखो, टू. तो देयरफॉर कितना आ गया एफ डैश एक्स इज टू. ये कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया? स्टेप टू. यस नो? यस सर. एफ डैश एक्स एक्स और कॉन्स्टेंट के टर्म्स में आ गया. एक्स नहीं है वो तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना बच्चों, जीरो इंटू एक्स है. आया ना? यस सर. तो f dash x आ गया, but question में निकालना क्या है बताना? f of x. f of x. तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? Integration. Integrate. Step 3 is integrate to get f of x in terms of arbitrary constant c. C आए हुए आएगा obviously. Step 4 is find c using given data or any known or any value that we can find, any value that we can find using functional equation. जैसे इस question में हमने f of zero निकाला. चलो आ जाओ step 3. बोलो क्या करूँ? Integrate. F dash x is equal to 2 को integrate करना है. Integrate करा, dx लगा दिया. Integrate करा, dx लगा दिया. Left side का answer? या तुमने निकाला है या निकाल सकते हो. यस, हमें पता है f of 0 0 है, करेक्ट एवरीवन?
कंडीशन में x को जीरो डाल दूंगा, लेफ्ट साइड f ऑफ जीरो व्हिच इज जीरो, राइट साइड जीरो प्लस c, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू जीरो है और हमारा आंसर फाइनली आ गया है। सबको क्लियर प्रोसेस? बट सुन लो, ये क्या है मेथड वन, लंबा गया, एग्रीड? यस सर। मेथड टू इससे काफी छोटा है, बट अभी वो लिखेंगे नहीं, उसके लिए जगह छोड़ेंगे। यू विल डू वन क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस, फिर वो बताऊंगा, क्योंकि वो मेथड टू पहले बता दूंगा तो तुम मेथड वन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। और कभी कभार मेथड टू लगेगा या नहीं लगेगा? कभी कभार नहीं लगेगा, कभी कभार मेथड टू नहीं लगेगा, इसलिए मेथड वन सीखना जरूरी है। मेथड वन विल ऑलवेज बी लेंथियर, तो इसलिए अभी मेथड टू के लिए जगह छोड़ोगे। लीव 6-7 लाइंस। तो सबसे पहले स्टेप्स कॉपी करो मेथड वन के, क्वेश्चन बाद में कॉपी करना। सर 6-7 लाइन बहुत है ना मेथड 2 के लिए? प्लीज रिपीट, क्या बोल रहा है? मेथड 2 के लिए 6-7 लाइन बहुत है ना? हां काफी है, जस्ट लीव 6-7 लाइंस, फिर क्वेश्चन कॉपी करो। हो गया भाई? तो यहाँ तक हो गया। हाँ बता, क्वेश्चन कंप्लीट करो आराम से पहले।
Yes, any issue till here, everyone? Copy हो गया क्या यहाँ का question done? Sir, एक मिनट. एक मिनट. Let me. Done. Yes, now done. Yes, is it done? Yes, sir. Done, sir. अच्छा मेथड टू के लिए वापस लीव 6-7 लाइंस इस क्वेश्चन का मेथड टू भी करेंगे इस क्वेश्चन के मेथड टू के लिए भी लीव 6-7 लाइंस नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन करो Yes, पूरा है ना बच्चों Yes, sir. Number one. Kushal, correct. F dash x part सही आया तो integrate करो जल्दी से.
Rudra correct, Una correct, Parth correct. Yes, I think mistake. Nahi, sahi hai. Sanika mistake. चलो डिस्कस करें हम. एवरीवन हो गया? यस. जैसा नहीं हुआ है मेरे साथ देख लो. एफ डैश एक्स इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसकी जगह ये रख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही है ना? यस सर. एफ ऑफ एक्स गया, अब स्प्लिट कर दिया. लिमिट का क्वेश्चन है, स्प्लिट करके देखा एफ ऑफ एच बाय एच प्लस एक्स एच बाय एच, ये एक्स हो गया और इसका आंसर दे रखा है 3. सो एफ डैश एक्स इज 3 प्लस एक्स. अब इंटीग्रेट कर दिया, इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स. आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स इज 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और सी की वैल्यू आई थिंक वापस सबने निकाल लिया. एफ ऑफ 0 0 है. हाँ भाई, यस बताना है क्या ये कैसा है या ये अंडरस्टूड है एवरीवन? अंडरस्टूड है. बस एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. किसी को डाउट? नो सर. कुछ बच्चे इसको जीरो बोल देते हैं, पता नहीं क्यों. एक्स है, एच की वैल्यू जीरो है. जल्दी कॉपी करो. आई गेस हो गया सबका. यस. चलो अब देखो मेरे साथ मेथड 2 की बात करते हैं. हम एक बार प्रैक्टिस हो गई तो मेथड 1 किस पे बेस्ड था, यू टेल मी. फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब एफ डैश एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, करेक्ट? यस सर. अब एफ डैश निकालना है तो अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर लेंगे. पार्शियल इसलिए क्योंकि दो वेरिएबल है, करेक्ट एवरीवन? यस. स्टेप 1, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई. स्टेप 2, पुट y equal to 0 most of the times, mostly to get f dash x. अब सवाल तुम पूछ सकते हो सर y के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करके y को 0 रख देंगे तो f dash x आ जाएगा जो हमें पसंद है. Is that okay? Yes. तो step 3 तो वही होगा क्या, इंटीग्रेट. f dash x आ गया, उसके बाद तो सेम चीज है. Step 4, find c. इस क्वेश्चन के लिए लगाए एवरीवन. Yes. तो मेरे साथ देखो कैसे करना. ये क्वेश्चन ये था और देख लो इस क्वेश्चन की लेंथ इतना लंबा आया था. अब बताओ स्टेप 1 क्या करना है. पार्शियल डिफरेंशिएट वाई. क्या लिखूं, एफ डैश एक्स प्लस वाई इनटू चेन रूल, भूलेंगे नहीं, चेन रूल के कारण 1 आएगा, करेक्ट एवरीवन? यस यस. इज इक्वल टू 0 प्लस एफ डैश वाई. अब समझ में आया वाई को 0 क्यों बोल रहा हूं मैं एवरीवन? Yes. Yes, sir. Step 2, y को 0 रखोगे तो f dash x आ गया कितना, f dash 0. दिख रहा है तुम्हें जो कितनी माथापोड़ी के बाद यहाँ आया था? Yes. Yes or no, everyone? Yes, sir. F dash 0 का वैल्यू 2 दे रखा है. Step 3, इंटीग्रेट f of x is equals to 2x plus c. Step 4, सिंस एफ ऑफ जीरो इज जीरो या फिर निकालना पड़ेगा, जो भी तुम्हारी इच्छा है, देयरफॉर सी इज जीरो, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज 2x. कॉपी कर लो. पहले ये कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी कर लो.
हो गया क्या बोलते हो सर? एक बार मेथड टू का स्टेप थ्री दिखा सकते सर? थोड़ा सा रहेंगे। ओके थैंक यू सर। Are we done? Yes. अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन किया था इसका मेथड टू से करना है एक बार फटाफट। In this question, मेथड टू करो जल्दी से। Partial differentiate with respect to y, come on. X, y का differentiation कितना होगा everyone? X. X. Step 2, put y equal to 0. जल्दी से आगे बढ़ते जाओ. F dash 0 plus x. अब f dash 0 कैसे निकालोगे? X, y को 0 रख के. हाँ, क्या बोल रहा? एक्स वाई को जीरो रख एक्स वाई टू क्या सर एक्स वाई को जीरो रख दो ना इनिशियल फंक्शन में एफ डैश जीरो एफ ऑफ जीरो नहीं है ना लाइक ये रिलेशन तो मैं दे रखा है इससे थोड़ा सा कम ऑन रियलाइज करो कैसे आएगा ये लिमिट है तो मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूँ ना मतलब एल हॉस्पिटल कर सकता हूँ ना एवरीवन यस सर यस बाय What one is equals to three? समझ में आ रहा है ये f dash zero ही है? हाँ sir. L hospital के बिना भी कर सकते हो कैसे? F of zero पहले निकालना पड़ेगा वो zero आ जाएगा और जल्दी से बताओ क्या तुम्हें सबको ये दिख रहा है ये R H D का formula दिख रहा है everyone? Yes sir. ये f dash zero का ही formula दिख रहा है क्या सबको? Yes sir. Yes. ये first principle से समझना है या L hospital के through समझना है? जो भी है समझना है कि f dash zero three है. दोनों में ऑब्वियसली पहले एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा फिर जीरो है जल्दी से 30 सेकंड्स और रैप कर लो अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तमाम सर हम पहली इक्वेशन में x और y को जीरो रख के नहीं ढूंढ सकते थे ऑल ऑफ यू अगर सोच के बोलो क्या बोल रहे हो वो उससे क्या निकलेगा f ऑफ जीरो या f डैश जीरो बच्चों सर f ऑफ जीरो और अभी क्या निकालना है हमें f डैश जीरो करेक्ट ना बच्चे यस सर तो f डैश जीरो ऑब्वियसली वहां से नहीं निकलेगा f डैश जीरो तो जो गिवन डेटा है वहीं से निकलने वाला है ऑब्वियसली किसी और बालक को डाउट हाँ भाई पूरा हो गया क्या क्वेश्चन अब आगे थोड़े अभी इंटीग्रेट करना
हाँ बस जल्दी से करो, ये तो सेम ही हो गया ना, उसके बाद ऊपर देखो सेम स्टेप्स आ गए हो तुम, यहाँ पे आ चुके हो, अब उसके बाद लिख दो सिमिलरली एज अबव, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिमिलर एज अबव, हाँ बच्चों बताओ आप कोई डाउट है यहाँ तक? तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में बस एक ही ट्विस्ट आ सकता है कि एफ डैश वेब डैश कुछ निकालने में, हाँ है ना? यस यस सर, थोड़ा उस बारे में सोचना। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह आप करो, अब जो मेथड तुम्हें अच्छा लग रहा है उससे करो, ऑब्वियसली यू विल प्रेफर व्हिच मेथड? सेकंड मेथड, तो करो। F dash 5 का आंसर, come on. Zero. No, it's not zero. इसका आंसर आ रहा है चैट पे लिखो. कुशल करेक्ट, पूना करेक्ट, सनी का मिस्टेक, पृथ्वीराज करेक्ट, दिव्यन करेक्ट, आर्थ करेक्ट, सनी का मिस्टेक, आर्थ करेक्ट। अच्छा जल्दी से सेकंड पार्ट भी करो, मैं दोनों एक साथ करना चाहता हूँ। यश करेक्ट, प्रत्यस्या थोड़ी सी मिस्टेक है बच्ची, प्रत्याशा
करो जल्दी करो मोहन। वो बात करते हैं अभी, पहले अभी पूरा एफ ऑफ एक्स निकाल। गौरव मिस्टेक है, करें डिस्कस कर रहे हो। सवाल नहीं, सवाल नहीं। ओके, अथर बी पार्ट का सही नहीं है। गौरव नो, हाँ गौरव सॉरी, फर्स्ट पार्ट का सही है। बी पार्ट में बहुत ध्यान से करना, सब बच्चे उसके कांस्टेंट में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कांस्टेंट निकालने में। नो यस नो, बी पार्ट तो बहुत कम जनों का सही आएगा। चलो मेरे साथ करेंगे, अब बहुत हो गया, करें। तो एफ डैश फाइव निकालना है। देखो एक बहुत बच्चे अलग ही टाइप के नमूने होते हैं पार्ट जैसे, है ना, भूल जाना मैंने नाम लिया, ठीक है। एफ डैश फाइव का कैसे निकालते तुम बताना, कि पहले एफ ऑफ फाइव निकालें और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो एफ डैश फाइव आता है, या फिर पहले एफ डैश एक्स निकालें और फिर उसमें एक्स को मतलब डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स और फिर एक्स को 5 रखें तो एफ डैश फाइव आएगा। किससे आएगा बच्चों? सेकंड इक्वेशन है। पार्थ किससे आएगा? सर सेकंड इक्वेशन, बट सर जब दिया हुआ है वो कांस्टेंट है फिर क्या? सर सेकंड इक्वेशन राइट है बट जब दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट है तो फिर तो क्या बोल रहा है, थोड़ा सोच तो सही। f of x तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा ना, f of 5 तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, उसमें क्या है? तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मतलब f of 5 पहले निकालें 2 और फिर डिफरेंशिएट करें, तो ये सही प्रोसेस है मतलब तेरे हिसाब से, राइट? हां नहीं नहीं सर समझ गया, सेकंड तो बोला है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हमेशा ही होगा यार, f of 3 क्या हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा क्या, कि f of x में x को 3 डालना है तो तू बता क्या वो वेरिएबल होगा क्या? नहीं नहीं सर समझ गया, f of x when x की value is 5 into 2। ये नहीं, ये बच्चे गलती तू नहीं, बहुत जने करते हैं, सब बच्चों को क्लियर है कि f dash कभी ऐसे नहीं निकालते हैं कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे फिर तो हमेशा ही जीरो आएगा, हां है ना? यस सर।
करते हैं और फिर x को रखते हैं तब f dash 5 आता है. Is that clear everyone? Yes sir. Okay. तो अब इसको partial differentiate कर रहे हैं हम step 1. F dash x plus 2y into y के respect में 2 हो गया. 2 f of x into f dash y. अब y को 0 रखूंगा क्योंकि f dash 0 दे भी रखा है वैसे तो. y को 0 रखा. F dash x into 2 is equals to 2 f of x into f dash 0 which is 3. 2 से 2 चला गया. मतलब f dash x is 3 times f of x. है ना? और अब f of f dash 5 पूछा है तो अब यहाँ पे तो x को 5 रख सकता हूँ ना everyone? Yes sir. Yes. क्योंकि f dash और f का relation है तो बिल्कुल रख सकते हो. तो 3 times f of 5 की value 2 दे रखी है तो ये answer 6 हो गया. क्या first part सबको clear है? Yes sir. Okay. Second part में obviously किससे चालू करेंगे हम? वापस इसी से everyone? Yes sir. F of x को एक side में लाया क्योंकि अब integrate करने का time आ गया है. Correct everyone? Yes sir. Yeah. अब थोड़ा come on इसको integrate कैसे करूँगा मैं? Come on. T. Substitution. F of x को t तो ये ऊपर वाला term क्या हो जाएगा everyone? Dt. Is equals to 3x plus c. सही लिखा है everyone? Yes. तो dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद कराया था मैंने, इसलिए याद कराए थे. LNT. सही बोल रहा हूँ? Yes. Okay, अब बताओ वहाँ पर t कौन है? ln of f of x is 3x plus c. सही दिखा है अभी तक? Yes sir. अच्छा ये बताना, अगर ln y is equals to 5 होता है तो y कितना होता है? E equals to 5. इसका मतलब यहाँ पे f of x हो गया e की पावर 3x plus c. Correct everyone? Yes. अब c निकालना है. c निकालने के लिए कोई डेटा चाहिए तो डेटा तो पता है मैं f of 5 2 है. Come on. Yes. Yes. x को 5 रख दो. Left side हो गया f of 5 which is 2. 2 is equals to e की पावर 15 into e की पावर c. बोल सकता हूँ ऐसा? Yes sir. So e की पावर c is 2 by e की पावर 15. चलेगा ना? Yes sir. तो यहाँ पे रख दिया f of x is e की पावर 3x into e की पावर c. I hope clear है. 2 by e की पावर 15 और 2 e की पावर 3x minus 15 is the answer. कॉपी करो. Yes, anybody, किसी को doubt? Sir? हाँ, बच्चे. So, मैंने जो ये relation आया कि f dash x equal to 3 fx है, उसमें x equal to 0 डाला, तो fx equal to 1 आया. चुप रहे एक मिनट. यहाँ पे f dash x equals to 3 f of x में क्या करूँ? X equal to 0. तो? fx equal to 1, f 0 equal to 1 आया. f dash 0 is equals to 3 times f of 0. अब बता मुझे कहाँ आ रहा है 1? f dash 0 3 है ना? हाँ, वो देखो उससे f of 0 की वैल्यू निकल रही है. क्या करेगा उसका? अच्छा डालना सर. फिर उससे y को 0 डाला फंक्शनल इक्वेशन में. ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन में y को 0 डालो. हाँ सर. तो f of x is equals to 2 f of x into f of 0, correct? Yes sir. तो f of 0 1 हो जाएगा. f of 0 1 हो गया यहाँ पे ये. हाँ सर.
इसमें क्या मिस्टेक हो रही है? f(x) is 2f(x) हो गया, ये बोलना चाहता है ना मिस्टेक? तो हां सर, f of 0 देख 1 उसमें ही गड़बड़ है, क्योंकि f of 0 1 है नहीं, तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे वो जज करता है। x को 0 रखा, f dash 0, f dash 0 कितना रखा है 3, डैश एक्स कितना है 2 ई की पावर 3 एक्स माइनस 15 इंटू 3, एफ डैश 0 कुछ गड़बड़ आया है सर। हमने एफ डैश 0 को यूज नहीं किया क्या कहीं बच्चों? कह रहा ना किया ना, क्योंकि ये रिलेशन देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एफ डैश 0 इज 3, यहाँ एफ डैश 0 3 नहीं है। तो ऊपर यूज किया ना एफ डैश इज इक्वल टू 3 की पावर 3x, तो अच्छा आया था सर। एफ ऑफ 0 के भी दो अलग वैल्यू आ रहे हैं, एफ ऑफ 0 इज 1 और सब, इसके कारण 3 की बात 3x आना चाहिए। एफ ऑफ 5 2 दे रखा है, डेटा कंसिस्टेंट उसी हिसाब से नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एफ डैश क्या e की पावर c, तो अगर एफ डैश x निकालूं तो 3 e की पावर 3x इंटू e की पावर c, एफ डैश 0 3 इंटू e की पावर c आना चाहिए, that is given as what 3, right? e की पावर c 1 आ गया। f of 5 2 वही गिवन डेटा गलत गड़बड़ लग रहा है, अदरवाइज बाकी सारे डेटा सही है। यहाँ पे भी x और y दोनों को 0 डाले तो f of 0 is 2f square 0, f of 0 is 2f square 0, तो f of 0 या तो 0 है या f of 0 half है, इन्हें कहीं कुछ गड़बड़ है। दिख रहा है बच्चे जिसने पूछा था यश? यस सर, यहाँ पे मैंने एक्स वाई दोनों को जीरो डाला तो ये आया, मतलब एफ ऑफ जीरो या तो जीरो या हाफ होना चाहिए था, पर इस हिसाब से तो गड़बड़ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा गड़बड़ है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यस सर, अगर एफ डैश जीरो की वैल्यू बस बदल दी तो आंसर सही आ जाएगा। एफ डैश जीरो की वैल्यू सर, अगर एफ डैश जीरो की वैल्यू सही दे दी तो आंसर सही आ जाएगा, उसकी वजह से इशू हो रहा है। थोड़ा क्लियरली तो बोलो, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या सर? वो ढूंढनी पड़ेगी यार। एक तो यार नहीं बोलना है तो मत बोलो, बोलना है तो क्लियरली और लाउडली बोलो। वापस बोलता हूँ, वापस बोलो तो चुप हो जाते हो, तो बेटर है बोला ही मत करो। एफ डैश जीरो की वैल्यू ऐसा हो जाएगी फिर, थोड़ा आप या तो क्लियरली बोले, चुपचाप बैठा रहे। ओके सर, f of 0 तो हाफ ही लग रहा
चलो अभी डेटा में मैं गलती तो नहीं पकड़ पा रहा हूँ, कहाँ ढंग से करना पड़ेगा एक बार मैं चेक करूँ। यू विल रिमाइंड मी आफ्टर सम टाइम और नेक्स्ट लेक्चर। तुम क्वेश्चन करो मैं चेक करता हूँ। चलो कैन आई गो फॉरवर्ड नाउ एवरीवन? यस सर। ये क्वेश्चन करो, डू दिस, देन आई विल चेक।
इसके पकड़ में नहीं आ रही कि कैसे डेटा क्वेश्चन को सही करें। यस करेक्ट गौरव रॉन्ग बाकी सब बच्चे जल्दी लाओ। पूना करेक्ट यस बाकी सब कब निकालोगे तन्मय करेक्ट लास्ट 30 सेकंड्स। क्या करेक्ट चल इनफ टाइम दे दिया फटाफट देखना मेरे साथ फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करते हैं एक्स प्लस वाई बाय थ्री इंटू वाई के रिस्पेक्ट में 1/3 राइट साइड का 3 2 का डिफरेंशिएशन 0 एफ ऑफ एक्स का 0 इसका हो गया एफ डैश वाई। ओके 3 से 3 कैंसिल हो गया यू हैव गॉट समवॉट लाइक दिस। अब तुम बताओ कि y को 0 रखें या 2 रखें।
तो y को 2 रखोगे तो f dash x plus 2 by 3 is f dash 2 which is 2, ये आ गया। अब फंक्शन में ये सब करे था ना बच्चों की f of x plus 4 अगर दे रखा है तो उससे f of x निकालना सीखा था ना एवरीवन। हाँ ना कार्टूनो? यस सर। यस सर। कैसे करते थे बताओ फिर, x plus 4 को क्या रखते थे एवरीवन? वेरिएबल कैपिटल x रख सकते थे, याद करो। सो f of x is 3 times, फिर स्मॉल x को ये रख देंगे तो f of x आ गया ना एक तरीके से। Yes. अगर मुझे f dash x निकालना है तो यहाँ पे x plus 2 by 3 को कैपिटल x रख दूँ? Yes sir. Yes, sir. और गुड थिंग है कि राइट साइड में x है ही नहीं तो f dash x तो 2 ही है। Is that clear everyone? Yes sir. F dash x is 2, इंटीग्रेट कर दिया, f of x is what? 2x plus c. अब एक इस गिवन डेटा से कुछ निकाल लो, x और y दोनों को 0 रख देते हैं, f of 0 is 2 plus 2 times f of 0 by 3. तो 3f of 0 is 2 plus 2f of 0, मतलब f of 0 की वैल्यू 0 नहीं है, कितनी है? 2 है। सो यहाँ पे x को 0 डाल दिया, लेफ्ट साइड f of 0 is 2 is 0 plus c, तो मतलब c की वैल्यू 2 है। सो फाइनल आंसर f of x is 2x plus 2। कॉपी फास्ट। Can I go to next page? Everyone done? Yes. Yes, sir. So, ये question करो. तो वो कह दिया है f of what is equal to 1, f of 4 is 1. ओके सर। और ये डिफाइंड किसके लिए? सिर्फ x greater than 0 के लिए।
करेक्ट एफ ऑफ 4 तो 0 ही है सबका उतना तो आ गया एवरीवन एफ ऑफ 4 0 यस कंटिन्यू ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन में x और y दोनों को 1 रख दो Can we do it? या हो रहा है क्या? Sorry. करो करो जल्दी से alpha four वाला part तो मैं बस मैं उतना लिख रहा हूँ. Y के respect में differentiate कर दिया सबने? Yes sir. Yes, sir. Left side का differentiation 4x by y into chain rule से क्या आएगा? Minus 4x by y square. Minus 4x by y. Very good. अब y को 0 रख सकते हो क्या बच्चों? No sir. No. Out of domain. और रखना भी नहीं चाहिए मतलब not defined हो जाएगा. तो यहाँ पे x बनाने के लिए y को 4 रख दूँ? Everyone? Yes sir. Yes sir. 4 रखते हैं कम से कम f dash x तो बन जाएगा कम से कम ये तो अच्छा है भली right side की value नहीं पता but वो ठीक है निकल जाएगी बाद में कभी कर बाद में निकलती is that clear everyone yes sir f dash 4 क्या होगा बच्चों एक variable term होगा या constant term होगा ये बता दो बस constant term constant तो उसको k लिख दो आगे बढ़ो come on यार कोई तो करके बताओ जल्दी कितना आया अभी तक f dash x into x by 4 is f dash 4 which is k लिख दिया मैंने तो f dash x is 4k by x क्या निकाल रहा है दिवेन एफ ऑफ 4 तो आ गया ना 0 अब क्या कितनी बार निकालेगा
नहीं हो रहा मैं करूं एवरीवन अरे एक मिनट पूर्ण परफेक्ट आंसर वेरी गुड ओके इवन कुशल थोड़ी सी मिस्टेक है Yes, can I finish now, everyone? Yes, sir. Part, थोड़ी सी mistake है मेरे साथ देख अब क्या गलती हो रही है अब integrate करेंगे f of x कितना आ गया ये तो constant है तो integrate में कोई परेशानी नहीं होगी ना एवरी वन यस सर यस क्या आंसर आएगा 4k ln x plus c अब बताओ कितने unknowns है k और c और तुम्हारे पास दो डेटा है क्या एक डेटा f of 4 is equals to 0 और एक डेटा f of 4 is equals to 1 है ना दो डेटा यस बस फिर आंसर आना चाहिए तो सबसे पहले क्या रखूंगा x को 4 रख देते हैं तो f of 4 is 0 is 4k ln 4 plus c तो c की वैल्यू अब से minus 4k ln 4 बोलते हैं अपन चलो नाउ सेकंड x को 4 ही रख देता हूं तो यहां पे f of 4 ही 1 आ जाएगा is equals to 4k ln x ln x कितना है ln 4e plus c और c की वैल्यू कितनी है minus 4k ln 4 so therefore right side में क्या कॉमन ले लूंगा 4k क्या आ जाएगा ln 4e minus ln 4 is it okay ना बच्चों yes sir बताओ right side में क्या हो जाता है ln में subtraction मतलब ln के अंदर क्या हो जाएगा division 4 से 4 चला गया ln e की वैल्यू One. So therefore, 4k की वैल्यू 1 है. Correct everyone? Yes, sir. So f of x आ गया और क्या चाहिए? F of x is equals to 4k, which is 1 into ln x plus c. C is minus 4k. I hope दिख रहा है, which is 1 into ln 4. So final answer, f of x कौन है? Ln of x square. तुम्हारा काइनेटिक चैप्टर हो गया या हो रहा है हाँ केमिकल काइनेटिक नहीं शुरू नहीं हुआ अभी शुरू नहीं हुआ मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कुछ बोला किसी केमिस्ट्री फैकल्टी ने लीनियर No, sir. तो देखो ये क्वेश्चन ये जो टॉपिक है दैट विल कम अगेन इन आफ्टर इंटीग्रेशन क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास काफी इन्वॉल्व होंगे अभी मैं वही इंटीग्रेशन दे रहा हूँ जो तुम सॉल्व कर सकते हो करेक्ट है हमारा पूरा चैप्टर ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे वापस तो दिस टॉपिक विल कम अगेन एट दैट स्टेज व्हेन वी आर एक्सपर्ट इन इंटीग्रेशन And about this last question, ये question में एक डेटा ही गलती है f dash 0 3 नहीं होगा f dash 0 देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए सुन रहे हो yes sir yes sir f dash 0 के डेटा की जरूरत ही नहीं है मतलब देना ही नहीं चाहिए और आंसर तब ये भी नहीं आएगा आंसर कुछ और आएगा समझ गए yes sir तो अभी के लिए इतना ज्यादा बना तो कंफ्यूजन हो जाओगे तो कट कर सकते हो क्वेश्चन को ठीक है
बट करेक्ट करना है तो ये गलत कर देना और फिर पता है f(x) कांस्टेंट आ जाएगा, बस f(x) इज 2 आ जाएगा एक्चुअली, f'(5) की वैल्यू 0 आ जाएगी फिर उस समय, इसलिए अभी के लिए कट करा रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन का एसेंस नहीं बचा। क्लियर? यस सर। सीख ले जितना सीखना था। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन से एक्चुअली एक सीखने में भी चीजें मिल रही है। अब पार्थ ने भी था डिस्कस किया था, तो ये सोचो कभी कभार f'(x) अगर 0 आ जाए तो काफी यूजफुल है, नहीं है? क्योंकि उसका मतलब f(x) कांस्टेंट हो जाता है। एवरीवन? यस सर। यस। मतलब f of 1000 भी पूछा है तो दैट इज सेम एज f(5), करेक्ट ना, जो दे रखा है? यस सर। यस सर। तो कभी कभार वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें वो ट्विस्ट मार के कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू पूछेंगे और उन क्वेश्चन में हिडन सरप्राइज यही होता है कि f(x) कांस्टेंट आता है। और वो कैसे पता लगेगा जब क्या निकालोगे? f'(x). एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे एजेंडा पे थोड़ा सोचना। डू दिस क्वेश्चन h(x) इज इक्वल टू e की पावर f(x) होल क्यूब प्लस g(x) होल क्यूब प्लस x। क्या निकाल रहे हो अभी तक, क्या जज किया? व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड? एवरीवन बोलो भाई, कुछ जज किया अभी तक, क्या निकालना है? f'(x) हाँ, f'(x) कहाँ से, f क्यों निकालेगा? h'। सब कुछ h के बारे में बोला हुआ है ना, तो h'(x) निकालो। निकालिए।
क्या डिफरेंशिएशन होता है इसका, e की पावर कोई भी कैपिटल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर कैपिटल x ना एवरीवन? यस सर। इनटू चेन रूल से कैपिटल x का डिफरेंशिएशन, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। अभी तक का डिफरेंशिएशन तो ऐसा का ऐसा है, इनटू चेन रूल से कितना लिखूं बच्चों, df स्क्वायर x प्लस 3f क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3f स्क्वायर x इनटू f डैश x, भूलना मत, हां है ना? यस सर। 3g square x into g dash x plus 1, यही है ना everyone? Yes. Yes sir. अब जो डेटा दे रखा है उसको यूज करो, दिमाग लगाओ, come on. टेढ़ा क्वेश्चन है बट come on, we can try. करेक्ट आयुष, यस एवरीवन, अब किसकी वैल्यू रखोगे, दिमाग लगाओ, डेटा क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू रख सकते हो, बोलो एवरीवन, जी डैश और एफ डैश, एफ डैश और जी डैश की वैल्यू रखो ऑब्वियसली, ताकि सब कुछ एफ और जी के टर्म्स में आएगा. क्या इतने पार्ट को मैं एच वापस लिख सकता हूँ क्या एवरीवन, एच ऑफ एक्स? यस. आगे बढ़ो और धीरे कर रहे हो, जल्दी करो. 3f स्क्वायर इंटू एफ डैश कितना है, g बाय एफ प्लस 3g स्क्वायर इंटू g डैश कितना है, माइनस f बाय g. सर आपकी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही. प्लस, अच्छा सॉरी, माइनस f बाय g प्लस 1, दिख रहा है ना सबको एवरीवन? यस सर. यस. एच डैश x इज इक्वल्स टू h ऑफ x इंटू एक f से एक f गया, एक g से एक g गया, 3fg माइनस 3fg प्लस 1, ये चला गया. h डैश x कितना आ गया, h ऑफ x आ गया, जीरो नहीं आया जैसे मैं बता रहा था, बट h डैश x h ऑफ x आ गया ना एवरीवन? यस. यस, ये भी काम का है, इसको इंटीग्रेट करना अभी मैंने सिखाया था, कर सकते हैं ना ऐसे इंटीग्रेट एवरीवन? यस सर. यस, करो जल्दी से, कम ऑन. लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बोलिए जल्दी से एवरीवन. लॉन एच ऑफ एक्स, लॉन एच ऑफ एक्स. राइट साइड का इंटीग्रेशन एवरीबॉडी, एक्स प्लस सी, करेक्ट? यस यस. सो एच ऑफ एक्स इज ई की पावर एक्स प्लस सी. सी निकालने के लिए कोई डेटा दे रखा है क्या? यस सर, एच ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स को 5 रख दो, c is equals to 1, I think, सही लिख रहा हूँ मैं? Yeah. So h of x is e raised to power x plus 1. h of 10 कितना हो गया? e की power 11. Answer. Puna, समझ में आया mistake? हाँ भाई, सबको क्लियर है एवरीवन?
कभी कभार कुछ भी ऐसा हिंट नहीं देगा कि बट हमें करना वही प्रोसेस है, क्या डिफरेंशिएट करना है, एच डैश निकालना है, उससे कुछ ना कुछ निकलेगा। तो जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए है, बट क्या इसमें भी वैसी फील आ रही है क्या? देखना एफ डैश दे रखा है और साई डैश दे रखा है, एफ ऑफ थ्री एफ डैश थ्री, और ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ करना है, बट यू विल ट्राई इट एंड क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्लास में एक आईवीटी टॉपिक और बचा है, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और हो जाएगा। सुन रहे हो एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं बुकलेट के सॉल्यूशन भेजूंगा, उससे पहले वही वीडियो सॉल्यूशन तो देख के आना, तब तक अटेम्प्ट भी कर लेना, तुम्हारे पास पूरा वीक है। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन बाय सर, थैंक यू।